खेल में बड़ा हादसा हो गया जहां पुल पार कर रहे दो लड़के नदी में गिर गए। लड़के साइकिल से पुल पार कर रहे थे लड़के, और लड़के की डूबने से एक मौत हो गई और दूसरा पेड़ को पकड़कर लटक गया। हालांकि उसने अपनी जान किसी तरह से बचा ली। एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद कर लिए हैं। एक पुल को पार कर रहे थे दोनों लड़के। और कोंडा गांव में बारिश अब मुसीबत बन गई है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका तरबतर हो गया और लगातार बारिश से लोगों की दिनचर्या के काम बमुश्किल हो पा रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि आना जाना भी अब मुश्किल हो गया है। और इस मुश्किल के समय में वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। और मुरैना में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। घर के बाहर खड़े इस शख्स पर हमला कर दिया। ग्वालियर गंभीर हालत में से रेफर किया गया और इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाह थाना क्षेत्र के बरेह गांव की पूरी घटना। और खबर धमतरी से, जहां पर लापता बच्चे के शव के टुकड़े मिले हैं और घर से 300 मीटर की दूरी पर पहाड़ी पर अवशेष मिले हैं। कोरमुड़ गांव के इस बच्चे के गायब होने की जानकारी मिल रही है। कोरमुड़ गांव से यह गायब हुआ था और 3 साल का बच्चा जो गायब हुआ, और बताया जा रहा है कि घर पर खेल रहे बच्चे को तेंदुआ आकर उठाकर ले गया था और शव के पैर में मिली पायल से पिता ने इसकी पहचान की और 36 घंटे की तलाश के बाद इसके अवशेष मिले हैं। दुखद मामला धमतरी से, जहां पर घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया था, उसका शव मिला है और 36 घंटे की तलाश करने के बाद उसके अवशेष मिले हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कब की ये घटना है? ये कल सुबह ही ये घटना घटी है। कोरमुर गांव का बच्चा अपने घर के बाहर ही खेल रहा था और लापता हो गया। फिर बाद में तलाश करने पर घर के आसपास ही तेंदुए के पंजों के निशान साफ देखे गए थे। तब से ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तेंदुआ है जो बच्चे को उठाकर ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम इसके बाद लगातार तलाश कर रही थी। आज जाकर ये तलाशी पूरी हुई और घर से करीब 300 मीटर दूर पहाड़ी के पास अवशेष मिले हैं कुछ शव के। शव में ज्यादा कुछ नहीं बचा था, तेंदुआ लगभग पूरा खा चुका था शव को, और कुछ हिस्सा बचा था उसमें भी एक पायल दिखाई दी। तो उसके पिता ने फिर पुष्टि की कि ये जो बच्चा है वही है जो लापता हुआ था। अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई में जुट गई है। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। रीवा और सागर हादसे को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि इन घटनाओं के बाद इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल,
कमजोर और पुरानी इमारतों में जो चल रहे हैं, बच्चे कमजोर इमारतों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि एक जोखिम का काम है, और इस ओर ध्यान न देकर सरकार बच्चों की सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सीएम से मांग की है कि प्रदेश में सभी तरह के सरकारी और निजी स्कूल्स की इमारत की मजबूती से जांच कराई जाए और तत्काल उनकी मरम्मत भी शुरू की जाए। और कोरबा के हरणमुड़ी गांव के अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिक्षिका की शिकायत की है। दरअसल मामला पाली ब्लॉक का है, जहां अभिभावकों ने स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ शिकायत की है और शिक्षिका बच्चों की पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती और साथ ही बच्चों के साथ अभद्रता भी करती है। शिक्षिका ने कहा कि उन पर लगने वाले सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कलेक्टर ने शिक्षिका को लेकर शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। और बालाघाट में बारिश के चलते बदहाल हुई सड़क के चलते अब प्रसूता को खाट से गांव तक पहुंचाया गया। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती महिला, जिसे प्रसव के बाद डिस्चार्ज कर गांव जब वापस लाया गया तो एक मौके पर एक पॉइंट पर आकर एम्बुलेंस रुक गई, अब उसके आगे एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी, तो ऐसे में उसे खाट पर इसी तरह से टांग कर ले जाया गया। और यहाँ ले एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।